Hey guys, so I'm here with the chapter Glimpse of India from our book First Flight. So Glimpse of India, it's a seventh chapter. So there are three parts of this chapter and we're gonna finish it within an half hour. So guys, first of all, we need to learn all the writers of the name. Sorry, writers of the chapter. Or then इसके बाद हम करने वाले quiz जैसा. So are you guys ready for that? I hope so. Okay, so let's start. So a baker from Goa, Lucio Rodriguez. Okay, Lucio Rodriguez. Then Cogs, Lokesh Agrawal. Third, T from Assam, Anurup Kumar Datta. Yaad rakh lena, pucha hai. Okay, so discuss in class. What image? Okay, हमें half hour में finish करना है, आधे घंटे में finish करना है, तो हम फटाफट करेंगे. So चलो हम start करते हैं. A baker from Goa. First हम अपना first chapter start करते हैं. Okay, so this is a pen portrait of traditional Gaon village. Sorry, Goan village. Okay, so ye kaun se village ki baat hai? Goan village. Baker, who still has important place in society. So Goan village hai. So unke bakers ki baat hai. Aur elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days and the Portuguese and other famous loaves of bread. Okay, so हमारे जो elders हैं वो हमेशा reminiscing nostalgically मतलब उनके बारे में बहुत fondly सोचना, fondly मतलब एकदम गहराई से सोचना, बहुत सोचते थे. उन दिनों की बात कर Portuguese days की बात करते थे जब वो पोर्चुगीज के जो बेकर्स थे वो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. ब्रेड के लोव्स खाने वाले इंसान चाहे ना रहे हो इस धरती पर, लेकिन ब्रेड के लोव्स बनाने वाले इंसान अभी भी जिंदा है इस धरती पर. We still have among us the mixtures, molders, and those who bake the loaves. Okay, so bread banane ki kya process hoti hai? Mixture, then molders, mold karna, aata banake mold karna usse, aur uske bake karna. Those age old time tested furnaces still exist. Furnaces matlab jalane ki wo furnace hoti hai na wo. अभी भी एग्जिस्ट करती है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एग्जिस्टेड. ठीक है, फर्नेसेस की फायर अभी भी है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. ओके, थर्ड एंड जिंगल heralding his arrival in morning can still be heard in some places. Okay, so jab bhi baker aata tha apne loaves leke, bread ke loaves leke, wo uski jingle awaaz karta tha, tan 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 tan, ghanti bajata tha, herald karta tha, announce karta tha, matlab jo jo se chillate the, matlab chillana matlab daatte nahi the, ye le lo, wo le lo, aloo le lo, tomato le lo, aise bolte na, usse heralding bolte hain.
Now you don't you you guys please don't laugh on me. Okay, so मैं तो आपको समझाने के लिए ये सारे एक्शन भी कर लेती हूँ. इन द मॉर्निंग यू कैन स्टिल हर्ड सम, ये सारी चीज़ें अभी भी गोवान गांव में अभी भी यू कैन सी दिस. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन. मतलब फादर ना हो लेकिन उनके बेटे अभी भी ये लोव्स बनाने की प्रोफेशन को आगे ले जा रहे. दिस बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर्स इन गोवा. ठीक है, दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा. ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. वो हमारे फ्रेंड होते थे. राइटर बोल रहे हमारे राइटर कौन से थे. लुइस रॉड्रिगस, सॉरी लुसियो रॉड्रिगस. ओके, ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. दो बार आते थे दिन में. वंस ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. एक तो मॉर्निंग में आते थे सेलिंग राउंड में. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बकेट. और एक बार सेल करने के लिए आते थे और उसके बाद वो अपना बकेट खाली करके आते थे. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट. राइटर बोलते थे कि मैं जब सो रहा होता हूँ तभी उनकी जिंगलिंग थर्ड, मतलब बैम्बू की ऐसे थर्ड 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 आवाज़ आती है पता है, उससे मैं उठ जाता था, जाग जाता था. वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर लोव्स ऑफ लव ऑफ द लोव्स. लोव्स खाने के लिए मैं ये सब करता था. राइटर बोल रहे नॉट एट ऑल. द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्टाइन और बास्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड्स एंड बैंगल्स विच वर चूज केयरफुली. ठीक है, सो वो बहुत केयरफुली चूज करते थे ब्रेड्स और बैंगल्स. वो पास्टाइन हाउस के मेड्स और सर्वेंट्स. पास्टाइन एक बड़ा सा एक बहुत अमीर लोगों का घर होता है. पास्टाइन वो पता नहीं, वो राइटर किसी की बात कर तो रहे. समटाइम्स वो वेरी सॉरी समटाइम्स इट वॉज वेरी स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. ओके, स्वीट ब्रेड होते थे. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बाम्बू स्टफ. ये हम बाम्बू को ऐसे ऐसे नीचे भी यूज टू लाइक हम ऐसे ठोकते हैं ना तो जंग जंग आवाज आता है. कैन यू हियर दिस? या यू कांट, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. वन हैंड सपोर्टेड विद द बास्केट ऑन हिज हैंड. एक हैंड ऐसे सिर पे रखते थे बास्केट सपोर्ट करने के लिए और दूसरा बैंग करता था बैम्बू को. दूसरे हाथ से वो बैम्बू को हिट करते थे ग्राउंड पे. आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बंद हो गई. एक्चुअल में पानी पी रही थी. ये तो आपको पढ़ने के लिए बोल नहीं सकती. ही वुड ग्रीट लेडी ऑफ हाउस विद अ गुड मॉर्निंग. वो लेडीज को गुड मॉर्निंग बोलते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू. स्पेशलाइज वर्टिकल बैम्बू होता था तो उसको बास्केट पे रखते थे. वीक इट वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिपोक एंड द लोज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वर. ओके, सो जब ये राइटर थे वो किड्स थे, बच्चे थे तब, तो जब वो उनके पास जाते थे देन रिबुक करते थे, डिसअप्रूवल स्कोल्ड करते थे उन्हें. और लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट. मतलब जो सर्वेंट आते थे लाइक कस्टमर आते थे उनको वो सर्व करते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन राइटर बोल रहे हम गिव अप नहीं करते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड टैप इन टू द बास्केट समहाउ.
पैप करना मतलब झांकना, ऐसे पैप करना, उस पर देखना ऐसे ऊपर चढ़ के. जस्ट इमेजिन एक बास्केट है ऊपर एक बड़े से बैम्बू पे, और उस पर एक टेबल ला के एक बच्चा चढ़ा है उस पर देख रहा है, तो उसे बोलते हैं पैप करना. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज नोज. फ्रेगनेंस मतलब उसकी स्मेल, सेंट हम बोलते हैं ना सेंट. Loaves for the elder and the bangles for the children. Okay, bangles भी एक खाने की आइटम ही है. Loaves किसके लिए? Elders के. Then we did not even care to brush our teeth and wash our mouth properly. Okay, so they don't matter to, they didn't think to brush his teeth or wash his mouth. And why should we? Right, Stan, why should we? We would take the trouble of plucking the mango leaf for toothbrush. Mango leaves ke, mango ke tree pe chadh ke uska leaf tod ke hum brush karne ke liye itni mehnat kyun kare? Matlab us samay ye nahi karte the. And why was it necessary at all? Ye necessary kyun hai? Brush karna itna necessary nahi hai. Tiger na wo brushes his teeth. Okay, the writer is telling that tiger कभी उसके teeth brush नहीं करता. Horty could wash and clean up everything so nicely after all. Okay, horty पीने से सब मतलब clean up हो जाता है. He is telling. Marriage gifts are meaningless without sweet bread known as bhol. So marriage में वो क्या खाते थे? Bhol खाते थे. Just as a party or feast. Feast मतलब पता है ना, feast होता है वो कॉलेज feast, annual feast और ऐसा बोलते हैं पता है. Loses its charm without bread. ये कोई भी पार्टी में अगर ब्रेड ना हो तो कुछ ना हो, ऐसे मानते थे लोग. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Okay, the baker was very important for a village. The lady of a house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. Uski daughter ke engagement mein lady ko sandwich compulsory banana hi padta tha, uska ritual tha. Cake and bowling house are must for Christmas. Okay, cakes to honi chahiye, bowling house aur cakes to Christmas festival ke liye bahut important the. Presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. Baker's or bread seller of these days has a peculiar dress known as kabai. Peculiar dress ki kabai karke. It was a single piece of long frock reaching down the knees. Knee ke down touch hota tha, matlab ekdam pair ke फुट तक नहीं लेकिन नी के नीचे थोड़ा सा. एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड वन लॉन्गर देन हाफ पैंट. ओके, ट्राउजर्स जैसे लॉन्ग होते उससे भी छोटे होते थे और हाफ पैंट से ज़्यादा होते थे, ऐसे अजीब से कपड़े थे उनके. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही ड्रेस लाइक अ फादर पदर. ओके, तो इस समय भी कोई ऐसे कपड़े पहनता तो गोवा में ऐसे ही बोलते हैं कि वो पैदल के जैसे कपड़े पहन गया है. द मेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ. ओके, द एंड ऑफ मंथ मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. पेंसिल से वो लोग वॉल पे लिख देते थे. Baking was indeed a profitable profession in olden days. Olden days mein baking was somewhat profitable work. The baker and his family never starved. Okay, so baker itna kama leta tha ki uski family kabhi starve nahi hoti thi, matlab starve se kabhi guzarti nahi thi, bhookmari se. He, his family and his servant always look happy and prosperous. प्रॉस्परस दिखते थे उनके वर्कर्स, उनके फैमिलीज और वो. द
प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ दिस. प्लम फिजिक मतलब क्या, उनका प्लीजेंटली फैट बॉडी. तो जो फादर होते थे वो हमें मोस्ट ऑफली सारे उनकी लाइक हट्टे कट्टे और मोटे होते थे. तो इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजीली कंपेयर टू अ बेकर. ओके, सो आज भी हम किसी को कुछ हट्टे कट्टे इंसान मोटे से इंसान को जैकफ्रूट लाइक मतलब थोड़े बड़े वाले मोटे से इंसान को अगर हम देखें तो देखते हैं तो हम उसे ऐसा ही बोलते हैं कि ये तो हलवा ही लग रहा है. ओके, सो दिस हियर वी एंड आवर लेसन. ओके, सो कॉग वाला हम कर लेते एक बार. Midway between Cog and the coastal town of Mangaluru seat a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. Okay, first of all we'll read the heading. Cog is coffee country, famous for the rainforest and spices. Okay, ek coffee wali country hai jo famous hai uske rainforest aur spices. तो पहले हम देख लेते हैं इनके राइटर कौन. लोकेश अबरूल. ओके, लोकेश अबरूल इंडियन है. इसमें हम कॉफी वाली कंट्री के बारे में बात करने वाले जिसके रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के भी बारे में हम बातें करने वाले. सो आप याद कर लो राइटर का नाम. I'll just drink a water. Midway between Mysore, and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from King of God. Okay. सो ये इंडियन जगह है, इंडिया की जगह है जिसको कॉर्ग एक विलेज है जिसको कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं. उधर कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं साउथ इंडिया. तो ये कहाँ पे आया है, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोरु सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ओके, सो कर्नाटका में आया, मैसूर साउथ में आया, नीचे कर्नाटका के साउथ में है. ओके, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर. तो ये लैंड पे मार्शल मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन्स है और वाइल्ड क्रिएचर्स है. कॉग और कदुगु, अरे कॉग और कदुगु बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटका में आया मैंने बोला, उसे कदुगु बोलते हैं उनके कर्नाटक की लैंग्वेज में. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. ये कॉफी प्लांटेशन के लिए, स्पाइस के लिए, फॉरेस्ट कॉफी प्लांट रेनफॉल के लिए फेमस है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट का 30% एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ड्यूरिंग मानसून इट पॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो मानसून के समय विजिटर्स ज़्यादा आते नहीं हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर अंटिल मार्च. सेप्टेम्बर से मार्च तक यहाँ पे बहुत ही विजिटर्स आते हैं. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन फ्रॉम गुड मेजर्स. कभी कभी बारिश हो जाती है. द एरिया ब्रीड्स इन इनविगोरेटिंग कॉफी. कॉफी बहुत प्रोड्यूस होती है इस एरिया में. कॉफी स्टेट एंड कोलोनियल बंगलोज टेंट्स टॉप अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स. कॉफ़ी के जो इस्टेट्स होते हैं और बंगलोज होते हैं वो छुप जाते हैं.
कैनोपीज के बीच में, मतलब पूरा जंगल 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 जैसा. द फोर्शियरी इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ प्रॉग्स आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. ओके, सो दे आर फ्रॉम अरेबिक डिसेंट. एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी moved south along the coast and settled here when return become impractical. Okay, so वो इधर अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी इधर, और उन्होंने फिर वो रिटर्न नहीं गए उनकी कंट्री. तो उन्होंने दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल एंड द कल्चर इज अपेरेंट इन मार्शियन ट्रेडिशन मैरिज रिलीजन विच आर डिस्टिंग फ्रॉम हिंदू मीन्स टू. ओके, सो इधर के लोग हिंदुत्व को नहीं मानते, दे बिलीव इन दे ओन रिलीजन राइट, एंड वो अलग अलग है उनका कल्चर. द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग एंड ब्लैक कोट. ओके, सो वो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं विथ अ एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट वोन बाय कदवुस नोन एज कुफिया. इट रिसेंबल द कुफिया वोन बाय द अरब एंड कुड्स. Kogis homes have tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Okay, so hospitality available hai. Then, okay, tales of valor related to sons. The stories of courage. वो अपने बेटे और अपने पापा की स्टोरीज बताते, ब्रेवरी की स्टोरीज बताते उनके. द कॉग्स रेगिमेंट इन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी हैविंग रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ब्रेवरी. कॉग्स होते वो इंडियन आर्मी में भी जाते हैं, तो उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं. द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल केडियाप्पा वॉज कॉगी. ओके, सो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. इवन नाउ कुडुवाज आर ओनली द पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विद अ लाइसेंस. उनके पास लाइसेंस है फायर आर्म्स के लिए. द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स फॉरेस्ट ऑफ कॉग्स. महाशेर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर. ओके, सो ये कावेरी रिवर है, उनमें एक फिश मिलती है जिसको हम बोलते हैं महाशेर, बड़ी वाली फिश होती है. किंग फिशर्स डाइव फॉर द कैच वाइल क्वेरल्स एंड लंगूस सॉरी स्क्वीरल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फ्रॉम द मिस्चीव ऑफ एंजॉइंग स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. किंग फिशर की बात की है, स्क्विरल्स की बात की है, लंगूस की बात की है. एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब इन अ रिवर बाय देयर महोत्स. महोत्स मतलब जो वो हाथी चलाते हैं ना उनको बोलते हैं. देन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू लाइफ ऑफ हाई energy adventure with river rafting. Oh my god, have you done river rafting? It's really amazing. You just try. I hope you guys get chance to do river rafting because it's one of the most best feeling ever. Okay, I have experienced that. Canoeing means traveling in a river, in a canoe, a large narrow boat. हाँ, canoeing means वो बोट की रेस होती है, पता है लंबी सी बोट होती है पतली वाली, और उस पर रेस लगाते हैं. Then rappelling मतलब going down a cliff by sliding down a rope. हाँ, वो रोप का सहारा लेके हम
स्लाइड करते हैं नीचे, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक को क्लाइंब करना, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइकिंग करना. Numerous walk trails in these regions are favored by the trekkers. Trials मतलब path created by walkers. बहुत सारे trials create करे, रास्ते create करे. Birds and bees and butterflies are there in there to give a company. Birds है, bees है, butterflies है, macaw है, malabar quiller, squirrel है, langur है. Slender loris kept a watch eye from the tree canopy. Slender loris is a bird, I guess, according to given information. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. Okay, so I just prefer to go get away from wild animal. A climb to the Brahmagiri hills bring you to into a panoramic view. मतलब a wider जहाँ से हम बहुत पूरी बहुत वाइड व्यू ले सकते हैं. मतलब अगर हम ये पैरानोमिक व्यू से हम देखें तो हमें ये पूरा कॉग दिखेगा, मतलब पूरा विलेज दिखेगा. अ वॉक अक्रॉस अ रोप ब्रिज लीड टू 64 एकर आइलैंड ऑफ निसर्गा धर्मा. ओके, देन running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup in bonus. Okay, so Buddhist monks ke bhi mil jayenge. The monk in red, ochre and yellow robes are amongst the most surprising that wait to be discovered by visitors searching from heart and souls of India. Right here in Cog. तो Cog में monks भी रहते हैं. Okay, so third is tea from Assam. और ये chapter के writer है अनुरूप कुमार दत्ता. ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है. टी फ्रॉम आसाम में हम पढ़ेंगे प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम आसाम. प्रांजल आसाम की है, इज राजीव क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. प्रांजल फादर इज मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवी टू विजिट हिज visit her home. Her eyes are the mistake during summer vacation. Okay, so I'm just going to read this chapter. बहुत simple way में explain किया गया है. चाय गरम, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to their windows and asked, "Chai saab, give us 2 cups." प्रांजल से, प्रांजल इज अ गर्ल, आसाम की है वो. और हमने देख लिया कि वो अपने फ्रेंड को अपने होम टाउन ले जा रही है. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड चाय पी. ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वर ड्रिंकिंग टी टू. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. के 80 करोड़ टी के कप्स पिए जाते हैं राजीव से. वाओ, क्लेम एक्सक्लेम प्रांजल, द टी रियली इज वेरी पॉपुलर. द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. प्रांजल ओके, प्रांजल इज अ बॉय, ही इज नॉट अ गर्ल. ओके, ये याद रख लेना. प्रांजल इज अ बॉय. In his detective book again, Raju too was ardent fan of detective stories, but the moment he was keener to look at the beautiful scenery. It was green everywhere. Raju had never seen such a greenery before. Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. It was magnificent view.
magnificent view, sorry, against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretch as far as eye could see, dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like fingers. In a distance was ugly building with smoke blowing out of tall chimney. "Hey, a tea garden," Raju cried excitedly. Ranjan, who had been born and brought up on a plantation, did not share Raju's excitement. "Oh, this is tea country now," he said. "Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime." "I have been reading as much as I could about tea," Raju said. "No one really knows who discovered tea, but there are many legends." "What legends?" "Ye kaun bolta hai?" "Pranjo bol raha hai." "Well, there's the one about Chinese Empire who was always boil water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell in the water, giving a delicious flavor. It was said the word tea leaves." Okay, tea leaves ka hai na. "Tell me another scoop, Pranjol. We have an Indian legend too, the Bodhidharma, an ascetic Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he fell sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of his eyelids. The leaves of this plant, when put in hot water and drink, banished sleeps." "Tea was first drink in China," Raju added. As far back as 2070 before Christ. In fact, words such as chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than beverage. The train clattered in a Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform. Pranjal's father was waiting for them. Soon they were driving towards Dekai Bari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekai Bari tea estate. Okay, so there are tea estates in Assam. On both sides of gravel road were acres upon acres of tree bushes, all neatly pawned to some highest. Groups of tea pluckers with a bamboo basket on their backs were wearing plastic aprons, were plucking near newly sprouted leaves. Pranjal's father slowed down to allow tractor pulling train load to tea leaves to pass. "This is the second flush of starting period, isn't it, Mr. Barua, Rajiv exclaimed. "Sorry, Rajveer. Okay, guys, मैं अगर राजीव बोली हूँ तो I'm sorry. राजीव है. It lasts from May to July and yelled the bestie. "You seem to have done your homework before coming," Pranjal's father said in surprise. "Yes, Mr. Barona.
बरोआ ओके देयर इज बरोआ ओके राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मोर अबाउट व्हाइल आई एम हियर सो हियर वी कंप्लीटेड सो लेट्स मूव विथ MCQs, okay. Hey guys, so here are the MCQs. So let's solve this. How many tea plants grew out of the eyelids of eyelids? किसकी ब्रह्माने वो ब्रह्माने थे ना वो उनकी 10 This is the answer. Okay. Then why was Rajveer excited? Because he had sprouted coffee garden, because he has sprouted tea garden, because he has sprouted wheat garden. Now see above. Which plantation is popular there? ये इनकी बात कर रहे tea from Assam वाले. What cover 30% area of district Kadugu? Kadugu matlab Korg. Evergreen forest. What is referred to as peace of heaven? Korg. Then, which word in the following mean the same as sweet smell? Fragrance, humne padha tha. Which of the following task is done by bakers? Bake the mold. They don't bake the loaf. लोफ को क्यों बेक करेंगे दो दो को बेक करेंगे लोफ तो ऑलरेडी बेक होते हैं व्हाई व्हाट द एल्डर थिंग अबाउट द पास्ट मिस द गुड डेज Okay, whatever. Where did Rajiv and Pranjal study? Delhi. What is a duration of second flush and sprouting period? Okay. So. It was May to July, I guess. In Europe, tea was drunk as more than as medicine, more a medicine than a beverage. Okay. What is Assam popular known as? Tea country. Almost everyone in compartment was drinking tea. What is रिपेलिंग ट्रैवलिंग इन ओके हमने क्या पढ़ा था रिपेलिंग मतलब हमने गोइंग डाउन हाँ ये वाला पढ़ा था द क्लाइम टू डैश हिल्स ब्रिंग्स यू टू द पैरानोमिक ब्रह्मागिरी हिल द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कॉग Cog is a dash country. Cog is green country. How many times did the baker come every day? Twice. The baker was also there. I don't think he was their companion. He was their friend.
हु इज ऑथर ऑफ टी फ्रॉम गार्डन? टी फ्रॉम गार्डन लोकेश, सॉरी अनुरूप कुमार दत्ता. हु इज ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम आसाम? Lucio Rodriguez. So here. Thank you for attending my session. Please like, share, and subscribe. See, I'll make some emojis for you. Sorry. Oh, it's not being made. See, you can have a class from me how to make the emojis. I have a lot of tricks to show. I'll show you how to make emojis. Okay, so hello. Okay, then bye. See you guys. Thank you.